नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमोद कुमार द्विवेदी। आज बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के ऑपरेशन यानी TURP के बारे में। बहुत से मरीजों के प्रश्न होते हैं कि सर TURP का ऑपरेशन कितना, जब ग्लैंड का साइज कितना हो जाए, कितनी बड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाए तब ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सामान्य प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, जैसे कि देख सकते हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो जिसके बीच से मूत्र नली जा रही है यानी यूरेथ्रा जा रही है। ये जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, जब इसका साइज बढ़ जाता है तो ये मूत्र मार्ग पर दबाव डालती है और ये मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है, इसकी वजह से पेशाब में रुकावट होती है। दूरबीन विधि के ऑपरेशन में हम प्रोस्टेट ग्रंथि को बीच में से काट देते हैं यानी ये पोर्शन हटा देते हैं, इस तरह से ये रास्ता चौड़ा हो जाता है और इस ऑपरेशन को TURP कहते हैं यानी ट्रांसग्रेथल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। सो अब प्रश्न ये है कि कितना प्रोस्टेट साइज हो जाना चाहिए तब इसका ऑपरेशन होना चाहिए। यदि प्रोस्टेट ग्रंथि यदि अंदर की तरफ बढ़ती है, यदि इंटरनली ग्रो कर रही है, तो बहुत थोड़ी सी प्रोस्टेट साइज भी बढ़ जाने पर यह मूत्र मार्ग को दबाव डाल सकती है, यानी 30 से 40 ग्राम की प्रोस्टेट भी रुकावट डाल सकती है। लेकिन यही प्रोस्टेट ग्रंथि बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो बाहर की तरफ बढ़ती है तो ये हो सकता है 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम भी हो जाए, तो हो सकता है इस कंडीशन में भी पेशाब में कोई रुकावट ना हो। सो इस तरीके का कोई सीधा कट ऑफ नहीं है क्राइटेरिया कि जब प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। हो सकता है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि छोटी भी हो तो भी वो मूत्रमार्ग में दबाव डाल सकती है, यदि बड़ी हो तो भी हो सकता है मूत्रमार्ग में आपको कोई दबाव ना पड़ रहा हो और अभी तक कोई लक्षण आना ना शुरू हो। इसलिए हमेशा पहले मेडिसिन के द्वारा देखा जाता है, मेडिसिन के द्वारा इलाज करके देखा जाता है, यदि फायदा नहीं हो रहा है तो सर्जरी पर जाते हैं। अब यदि हमारे प्रश्न है कि यदि हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि छोटी है, 20 ग्राम है 30 ग्राम है, उस कंडीशन में ये पेशाब के मार्ग में रुकावट डाल रही है कि नहीं डाल रही है, यदि हमें इसको जानना है तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसको यूरोडायनेमिक्स कहते हैं। यूरोफ्लो और यूरोडायनेमिक्स के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि अभी मूत्र मार्ग पर कितना दबाव डाल रही है।